सब्सक्राइब कीजिए केजेटिक हिंदी चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है केजेटिक हिंदी पे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है मैं आज यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, सेकंड लिस्ट जारी होगी, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के 5 या 10 मार्क्स कम आ रहे थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण एक बड़ी खुशखबरी है उनके लिए। कब आएगा नोटिफिकेशन वो भी यहाँ पर बताया जाएगा, एकदम सटीक जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। ये सब बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने पिछला वीडियो डाला था उसका मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें मैंने क्या बताया था। जैसा मैंने बताया था वैसा ही अभी तक हो रहा है, क्योंकि सभी जो आरपीएफ कांस्टेबल हो चाहे एएलपी हो चाहे एएलपी सीबीटी 2 का जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में कट ऑफ देख लीजिए आप, और जो ग्रुप डी का मैंने कट ऑफ बताया था वो भी देख लीजिए, एएलपी आरपीएफ कांस्टेबल की जो कट ऑफ बताई थी वो भी देख लीजिए, ओबीसी की थोड़ी हाई गई थी लेकिन बाकी सब ठीक गया था। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। पहले देखिए, आपको ये बताना चाह रहा था मैं, ये जो वीडियो दिख रहा है आपको आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल की सेकंड लिस्ट जारी, ये वीडियो आप देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कट ऑफ बताई थी कितने क्या कट ऑफ रह सकती है, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तभी आपको इसकी पूरी न्यूज़ मिलेगी, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इसके जरिए आप देख पाएंगे कि मतलब कितना क्या कट ऑफ रहेगा सेकंड लिस्ट के अंदर, और वो एकदम एक्यूरेट चीज़ यहाँ पे बताई जाती है, एकदम सटीक जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। आरपीएफ कांस्टेबल के बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ डाल रखे मैंने यहाँ पे, देख लीजिए, आपको दिखाई दे रही होंगी, आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी 2019 जो कहाँ से आपने फॉर्म भरे वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब ओबीसी का, एसटी का, जनरल का कहाँ से बेस्ट रहा। और मैंने एक कल जो वीडियो डाला है वो आपके लिए वो भी ज़्यादा, आरआरबी ग्रुप डी अगर एग्जाम दिया तो उसमें फिजिकल में क्या होगा, ठीक है, ग्रुप डी में 100% प्रूफ के साथ यहाँ पे जो आपको फाइनल कट ऑफ बताई जाएगी तो वो भी यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, सब कुछ कितने फॉर्म भरे गए हैं अभी तक एनटीपीसी के अंदर, सभी जोन्स के अंदर, वो सॉरी ग्रुप डी के अंदर, और एनटीपीसी का मैंने वीडियो डाल दिया कल डाला था ये वीडियो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये वीडियो डाल दिया, एनटीपीसी 2019 में कितने फॉर्म भरे हैं, किस जोन से कितने क्या कंपटीशन रहेगा एक पर वैकेंसी के ऊपर, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल वाला जो अभी मैंने वीडियो बताया था उसको जरूर देखिए। अब मैं ले चलता हूँ आपको मेन जो न्यूज़ है उसके ऊपर, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए उनको सबसे पहले आप देख सकें, और आपको आप मुझे कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, उसका 5 या 10 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अब ले चलता हूँ आपको मेन अपडेट की ओर। आपको सामने जो अपडेट दिख रहा होगा आरपीएफ कांस्टेबल 2019, ठीक है, देखिए इस अपडेट के बारे में पहले कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये अपडेट तो है ना, मतलब क्या नाम 30 मार्च को ये अपडेट आया था। ठीक है, ये अपडेट आता, मैं अपडेट आने के जस्ट बाद में कभी वीडियो नहीं बनाना था, क्योंकि मैं उसके पहले मैं एनालिसिस करता हूँ, तो पहले देखता हूँ कि ये न्यूज़ सही है नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो यूट्यूब के ऊपर फटाफट डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आपको जानकारी दी जाती है एकदम सटीक प्रोवाइड की जाती है कि मतलब इस न्यूज़ का कोई मतलब है या नहीं है, क्योंकि आपने जो देखा होगा। ठीक है, अब मैं इस चीज़ आरपीएफ कांस्टेबल में जो रिजल्ट 2019 जो सेकंड लिस्ट आने वाली है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आरपीएफ एसआई के चाहे कोई सा ग्रुप हो उसके अंदर सेकंड लिस्ट आ रही है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आरपीएफ एसआई का आपने दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आपने रिजल्ट भी देखा होगा कि इसमें कितनी क्या कट ऑफ जा रही है। आपको थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो रही होगी लेकिन 1-2 दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि माइक में थोड़ी खराबी चल रही है तो विदाउट माइक ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, अब मैं हम बात कर ले जो आरपीएफ, अगर आरपीएफ एसआई की भी कट ऑफ, मतलब क्योंकि इसका फिजिकल काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, तो अगर उसका भी सेकंड लिस्ट आ रहा तो आरपीएफ कांस्टेबल का आना ही आना है, क्योंकि ग्रुप ई का तो सेकंड लिस्ट आ चुका है। और रेलवे द्वारा जो अपडेट दी गई है वो मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें साफ साफ बोला गया है कि आरपीएफ कांस्टेबल की सेकंड लिस्ट आएगी, और क्यों आएगी उसके सारे नतीजे यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपडेट की ओर। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 रेलवे प्रोटेक्शन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सभी ग्रुप के कांस्टेबल परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट की तैयारी शुरू है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया गया है कि जो ये मतलब जो फॉर्म आया उसके नतीजे आने के बाद में कि सेकंड मेरिट लिस्ट की मतलब तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि इनको पता है कि फिजिकल काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अब आगे चलते हैं अपने अगले अपडेट की ओर। ठीक है, पूरा न्यूज़ बताता हूँ आपको, ये 3-4 पेज है वो आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। ठीक है,
नीचे चलते हैं हम। अब यहाँ देखेंगे अपन पूरी अपडेट, आरपीएम कॉन्स्टेबल 2019 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने सभी ग्रुप्स के कॉन्स्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हमने रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी आ गई है, जो आपके लिए जो मेरिट लिस्ट आई है, कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं, जो फिजिकल की लिस्ट आई उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और सभी और अब भी फिजिकल के बाद डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, क्योंकि हर ग्रुप में 3 या 4 स्टूडेंट पास हो रहे हैं, 4 तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम तो हो भी नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि और अब है ना सभी के फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हैं, और जिसमें भारी मात्रा में कैंडिडेट्स बाहर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। किसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि ये इसके जो अपने फिजिकल के अंदर ही बाहर हुए, लेकिन नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के जो कम इश्यूज है, मतलब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होने की वजह से वो स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, और आज मेडिकल टेस्ट का मैं आरपीएफ कॉन्स्टेबल में कैसे मेडिकल होगा उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, कि आप उस रोग से ग्रसित हो या नहीं हो, आप उस वीडियो को कंप्लीट देखें, और अगर कोई रोग हो तो उसका इलाज करवाएं फटाफट। आगे चलते हैं अपन, जिसमें भारी मात्रा में कैंडिडेट बाहर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखिए, जिसके चलते लग रहा है कि मानो आरपीएफ की सभी सीटें नहीं भर पाएगी। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि आरपीएफ की सभी सीटें नहीं भर पाएगी, क्योंकि 8.5-10,000 के समथिंग टोटल वैकेंसीज है, और वहाँ पे 1-1, 2-2 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि ऐसा मतलब पूरी सीटें भर नहीं पाएगी, ठीक है। जिसके चलते आरपीएफ कॉन्स्टेबल की सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी। इन्होंने ये भी बोल दिया कि जल्द ही जारी की जाएगी, और इसमें हाई कोर्ट, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है। इसमें हाई कोर्ट की वजह से जो कैंडिडेट्स कम नंबर से वंचित रह गए हैं, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये न्यूज़ आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें बोला है कि हाई कट ऑफ की वजह से कि आप ये बोल रहे थे कि 92 कट ऑफ की ओबीसी की, 90 कट ऑफ की है, 85 कट ऑफ की, मतलब 85 के प्लस ही होगी सारी कट ऑफ, आप हाई कट ऑफ की वजह से बाहर रहे, उनको यहाँ पे मौका मिल सकता है। इन्होंने बोल दिया कि उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि मैंने 10 मार्क्स के लिए बोला, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए जाके प्लेलिस्ट में। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है, ये लास्ट वर्ड लाइन है, ये जो रेलवे की साइट है, ऑफिशियल साइट है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो, इस पर आप अपने नतीजे चेक कर सकते हो, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसके ज़रिए आप देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि यह साइट बता दी गई है, इस पर नतीजे चेक किए जा सकते हैं कि सीबीटी के पास उम्मीदवार पीटीएम पीएमटी के हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, सभी बता दिए हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे फोर्स ने नतीजे जारी करते हुए 2084 सफलता हासिल होने के बाद परीक्षार्थियों की मेरिट लिस्ट जारी किए, उन्होंने उन्हीं उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किए जिन्हें पीटी पीएमटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। इन्होंने ये भी बात बोल दी, आप इसको क्लियरली देख रहे हैं, इस लिंक के ऊपर आप मेरिट लिस्ट देख सकेंगे। अगले पेज पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए, यू चेक करें, आपको यहाँ पे सारी आपको बता रखा है कि आप ऐसे जाके अपने चेक कर सकते हैं, होम पेज के ऊपर जाके शॉर्ट लिस्टेड पीएमटी और पीटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यहाँ पे सब कुछ लिंक दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक जो कीजिएगा और शेयर जो कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। जैसे भी इसका नोटिफिकेशन मतलब आने वाला ही है, जैसे आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी काफ़ी स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल अफसोस मत कर दिए। अगर आपका फिजिकल नहीं हो रहा, आपके 5 या 10 नंबर कम है, तो आप फिजिकल के लिए बराबर मेहनत कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन पूछना हो, तो मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, उसका आंसर आप 5 या 10 मिनट के अंदर पहले मिल जाएगा, क्योंकि आपको दे भी रहा हूँ लगातार कंटिन्यूसली, ऐसा कुछ नहीं कि कमेंट लिख रहे हो तो मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, सबका मिल रहा है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ कि आप किसी के कमेंट के अंदर जाए कमेंट ना करें, क्योंकि आप अलग से कमेंट करिए तभी मैं आपको उसका क्लियरली रिप्लाई दे पाऊँगा। अगर आप कमेंट के किसी कमेंट में जाके कमेंट कर रहे हो तो वहाँ आपको रिप्लाई शायद ही मिलेगा। तो प्लीज़, आपको ये बड़ी खुशखबरी मैंने आपको प्रोवाइड की है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक जो कीजिएगा और शेयर जो कीजिएगा। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और
हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रही है। आपने मुझे कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, थैंक यू।